स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के तेज सर्रार नेता नीरज कुमार ने जेडीयू से निकाले गए नेता प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए उन्हें पॉलिटिकल टूरिस्ट करार दिया है। जी हां, नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर यह हमला तब बोला जब वे दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के साथ बैठक कर एनडीए के खिलाफ मोर्चा बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 29 जनवरी को इसी साल जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तथा राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बिहार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए थे। सिर्फ यही नहीं, प्रशांत किशोर ने बीजेपी व जेडीयू की दोस्ती पर भी तंज कसते हुए कहा कि गांधी व गोड से एक साथ नहीं चल सकते। प्रशांत किशोर ने सत्ताधारी राष्ट्र व जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की थी, जिसके बाद से ही पलटवार का सिलसिला तब से जारी है। अभी तक आपको बता दें कि इसी बीच सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने भी प्रशांत किशोर का बिना नाम लिए टिप्पणी की थी। इनडायरेक्ट तरीके से मानो हास्य उड़ाते हुए उन्होंने कहा, बिहार में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, धार्मिक प्राकृतिक से लेकर कई तरह के पर्यटक आते हैं, नया अध्याय राजनीतिक पर्यटक का उन्होंने जोड़ा है, कुछ लोग राजनीतिक पर्यटन के लिहाज से भी आते हैं, ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करें, आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे। बिहार के नेता नीतीश कुमार हैं, आखिर में पल्ला झाड़ते हुए हम लोग किसी और को नहीं जानते हैं, ऐसा कहा नीरज कुमार ने। असल में जेडीयू को राहत इस बात की मिल रही है कि प्रशांत किशोर की सरकार विरोधी टिप्पणी का जवाब खुद आम लोगों के सवालों में उन लोगों को मिल रहा है, जबकि आम लोग पूछ रहे हैं इतने दिनों तक प्रशांत किशोर थे कहाँ। मालूम हो कि प्रशांत किशोर पिछले महीने तक जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते थे। विधानसभा चुनाव 2015 में भी उन्होंने ही ये नारा गड़ा था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार हैं। जेडीयू की एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अधिक चर्चा का मतलब है उन्हें प्रचार देना, हम नहीं चाहते कि उन्हें भरपूर प्रचार मिले। वही जेडीयू के स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार ने भी प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की सियासत के चाणक्य हैं नीतीश कुमार, मानो प्रशांत किशोर को चेतावनी दे रहे हो कि राजनीति में नीतीश कुमार को परास्त करना आसान नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर के साथ महागठबंधन के तीन बड़े नेताओं के साथ बैठक को आरजेडी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है कौन कहां किससे मिलता है, किसके साथ बैठक करता है। दरअसल बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के किसी नेता के शामिल नहीं होने पर कई तरह के कयास तेज हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर मांझी, कुशवाहा और सहनी के बहाने बिहार में अपने लिए स्पेस की तलाश में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। बहरहाल पीके जब से जेडीयू से निकाले गए हैं तब से वो एनडीए विरोधियों को एक करने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन एनडीए के नेता पीके को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए अपने सुझाव, और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।